गाइस, अगर आपके पास भी पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप अपने एटीएम कार्ड का पिन भूल जाते हो, आपको आपके एटीएम कार्ड का पिन बिल्कुल भी याद नहीं रहता। ऐसे में अगर आप एटीएम मशीन में पैसा निकालने जाओगे और आपको एटीएम पिन याद नहीं रहेगा तो आप कैश नहीं निकाल पाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप पीएनबी बैंक के एटीएम कार्ड का पिन भूल जाते हो तो आप घर बैठे बिठाए एक मिनट के अंदर अंदर अपने मोबाइल फोन की मदद से अपने एटीएम कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उस मेथड से आप अपने नए एटीएम कार्ड का पिन भी बना सकते हैं और पुराने एटीएम कार्ड का पिन चेंज भी कर सकते हैं। बस आपको ये वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा उसको ध्यान से समझना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं सीधा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अब देखो पीएनबी बैंक के एटीएम कार्ड का पिन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाना है। मैसेज बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज रिसीव करना है, यानी बैंक की तरफ से आपको एक मैसेज रिसीव करना है जो कि आपको ग्रीन पिन होगा, 6 डिजिट का ओटीपी। उसको कैसे रिसीव करना है, यहाँ पर जैसे मैसेज बॉक्स में आ जाते हो स्टार्ट चैट्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नंबर लगाना है 92640 92640। ठीक है, ये नंबर आप लगाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैसेज लिखना है। मैसेज क्या लिखना है, बड़े कैपिटल लेटर में लिखना है, DCPIN इतना लिखेंगे, उसके बाद स्पेस दे देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड के नंबर लगा देने हैं, यानी जो एटीएम कार्ड आपके पास है जिसका आप पिन भूल गए हो उस एटीएम कार्ड के बैक साइड में नंबर लिखे रहते हैं, तो एटीएम कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर लगा देने हैं। एटीएम कार्ड के नंबर लगाने के बाद अब आपको इस मैसेज को सेंड करना है अपने उस मोबाइल नंबर से जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। तो जैसे हम मैसेज को यहाँ से सेंड कर दिए हैं, मैसेज को सेंड कर देने के कुछ सेकेंडों बाद आपके सामने इस तरीके से मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा आएगा थैंक यू डेबिट कार्ड पिन रिक्वेस्ट। उसके बाद ही जैसे आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने आ जाएगा डियर कस्टमर 93 28 16 इस ओटीपी, यानी ये जो ओटीपी हमारे पास आया है 93 28 16, तो यही हमारा ग्रीन पिन है और इस ग्रीन पिन के थ्रू ही हम अपने एटीएम कार्ड का पिन चेंज या जनरेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको पिन मिल गया, अब यहाँ से आप एक बार इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपको बैंक आ जाना है और बैंक आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद अब यहाँ पर आप सर्च कर देंगे PNB नेट बैंकिंग, इतना आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट आ जाएगी। जैसे अब आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा राइट साइड में, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा लॉगिन का, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा जनरेट डेबिट कार्ड पिन। ठीक है, अब आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करोगे तो इस तरीके से आपके सामने आएगा जनरेट डेबिट कार्ड पिन। अब आपको यहाँ पर जनरेट डेबिट कार्ड वाला जो मिल रहा इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सेट डेबिट कार्ड पिन, यहाँ पर आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगा जा रहा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, तो हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं। अपना अकाउंट नंबर लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा, तो कंटिन्यू आपको कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है। यहाँ पर ओटीपी आ चुका है तो ओटीपी को हम यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा, तो कंटिन्यू आपको कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने इस तरीके से डिटेल्स आ जाएगी, यानी आपका नाम यहाँ पर शो किया जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पर कार्ड नंबर लगाने हैं और यहाँ पर आपको देखो लिख रहा एंटर 6 डिजिट ग्रीन पिन ओटीपी डिलीवर ऑन योर मोबाइल नंबर, यानी आपके मोबाइल नंबर पे जो 6 डिजिट का ग्रीन पिन ओटीपी आया है उसको आपको इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा जो मिल रहा, तो ये कैप्चा आपको यहाँ पर नीचे लगा देना है। अब हमने यहाँ पर सारी डिटेल्स भर ली हैं, जैसे कि अपने कार्ड नंबर और यहाँ पर ग्रीन पिन ओटीपी लगा लिया है और नीचे कैप्चा फिल कर दिया है। अब यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, तो सबमिट आपको यहाँ से कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि पेज ही आगे नहीं बढ़ पाए, तो ऐसे में एक बार आपको यहाँ पर कैप्चा दोबारे से डाल के देखना है। जैसे कि हम यहाँ पर ये कैप्चा जो मिल रहा था, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो नया कैप्चा आ जाएगा। अब ये कैप्चे को आपको यहाँ पर लगा देना है।
यहाँ पर हम नया कैप्चा लगा लिया है, अब यहाँ से सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। जैसे सबमिट करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करोगे तो आपके सामने नई विंडो इस तरीके से आ जाएगी, जिसमें लिख रहा सेट रीसेट डेबिट कार्ड पिन। यानी आप नए, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि आप एटीएम कार्ड का पिन बना भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल नए की तरह हो रहा है। अगर आपके पास नया एटीएम कार्ड आया होगा तो नए एटीएम कार्ड का पिन भी आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब आपके सामने आ गया न्यू पिन और री एंटर न्यू पिन। अब आप अपने एटीएम कार्ड का न्यू पिन क्या बनाना चाहते हैं वो यहाँ से आप लगा लीजिए। 4 अंकों का आपका पिन होता है, जो आप ऊपर लगाएंगे उसी पिन को आप नीचे आके कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैंसिल का ऑप्शन मिल रहा है और दूसरा सबमिट का। अब आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के जस्ट कुछ सेकंडों बाद तक आपको वेट करना है और आपके एटीएम कार्ड का पिन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। अभी देख सकते हो कि आपके एटीएम कार्ड का पिन सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है योर डेबिट कार्ड पिन हैज़ बीन सेट, प्लीज़ डू नॉट शेयर, ठीक है। अब ऊपर जो है यहाँ पर मैसेज भी आ चुका, ये बैंक की तरफ से आपको मैसेज आता है, डियर पार्टनर योर डेबिट कार्ड पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुल डू नॉट शेयर। यानी आपके एटीएम कार्ड का पिन सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, ये फिर बन चुका है, अब आप इसको किसी को शेयर ना करें, ठीक। तो ये था पीएनबी बैंक के एटीएम कार्ड का पिन बनाने का या फिर चेंज करने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है और आपके एटीएम कार्ड का पिन जनरेट नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करते हैं और आपके कमेंट पढ़ते हैं। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।